देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर छोटा राजन को 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश A.M. पाटिल ने राजन को भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत हत्या का दोषी ठहराया। अदालत सजा का ऐलान बाद में करेगी। बता दें कि जया शेट्टी मध्य मुंबई के गाम देवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालिक थी। शेट्टी को छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकियां मिल रही थी। उनकी 4 मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर गिरोह के 2 कथित सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जया शेट्टी मध्य मुंबई के गाम देवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालिक थी। शेट्टी को छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकियां मिल रही थी। उनकी 4 मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर गिरोह के 2 कथित सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 4 मई 2001 को फिरौती देने से इनकार करने पर ग्रांट रोड के गोल्डन क्राउन होटल में राजन के गुर्गों ने जया शेट्टी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। राजन गैंग ने रवि पुजारी के जरिए जया शेट्टी से 50 करोड़ की फिरौती मांगी थी। इस मामले में अन्य आरोपी अजय मोहिते, प्रमोद धोंडे और राहुल पालसरे को वर्ष 2013 में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। छोटा राजन फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। उसे इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया और अक्टूबर 2015 में भारत लाया गया। तब से वह नई दिल्ली के तिहाड़ जेल में नंबर 2 में बंद है। यह सेल हाई सिक्योरिटी है। कभी दाऊद इब्राहिम का करीबी रहा छोटा राजन 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद दाऊद गैंग से अलग हो गया था। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।